और ऑनरेबल कोटा की बनाई हुई SIT ते थोनू भरोसा नहीं। उस SIT ने 10 चलान पेश करते किथे भी मजीठिए दा नौ नहीं सी। मगर मैं ना मानू दा ता इलाज कोई नहीं, सरकार नू तो पसंद नहीं, क्योंकि 10 साल मेरे ते रज के पॉलिटिक्स कीती है। और मैं पूछना चाहुंदा जुगनू नू, जुगनू अज तां तेरी सरकार है, 5 साल पहला कांग्रेस दी सी, ते ड्रग्स तां अज भी नहीं बंद हो रहे, फिर तू बकाउन डिया। मैं तो कहना तेरी इनक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि तू ही फिर यह सारा काम करने वाला। सिर्फ तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स तक सीमित होकर रह गई है। दैट इज़ वाई 3 SITs हैड बदल जाने, किसी का मुंडा तुसी इंस्पैक्टर बना दियो ओवरनाइट, फिर जे कोई सही काम करता उन्हें लंबे कर दियो, फिर जेड़ा रिटायरमेंट के नेड़े है जिदे 6 महीने रह गए उहदे नाल तुसी सौदा कर लियो कि भाई तू साडे आखे इनक्वायरी कर, अही तेरी पिठ, तू साडी पिठ थप्त पा, असी तेरी पिठ थप्त पावांगे। दिस क्विड प्रो को की लैण देण होया, इहदी भी इनक्वायरी होनी चाहिए। और गल बाली दूर नहीं आए, ऑनरेबल कोटा च गए सी ये। मैं लास्ट, क्योंकि सारे ऑर्डर तो नहीं पढ़न की लोड़, मैं एको ही उन्हां दी अखीरली फाइंडिंग पढ़ दिना। बड़ी लंबी बहस हुई है, इन्होंने दिल्ली तो वकील साहबान लिया उहदे च, इन द बेल ऑर्डर अगेन बाय डबल बेंच इन द हाई कोर्ट, सारे पक्ष सुनने तो बाद, इन माई बेल ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइल ग्रांटिंग मी बेल हैज क्लियरली गिवन अ फाइंडिंग दैट ऑनरेबल कोर्ट वॉज सैटिस्फाइड विद द पिटिशनर इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेज अलेज अगेंस्ट हिम एन FIR नंबर 02/2021। देयरफॉर इहदे च जिहड़ा एक होर बड़ी वड्डी गल है, एक इन्होंने सैक्शन 37 लाया सी, और 37 का मतलब की है कि ज सैक्शन 37 ऑफ द NDPS एक्ट पुट्स एन एम्बार्गो दैट बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टिल द ऑनरेबल कोर्ट गिव्स अ फाइंडिंग दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेज अलेज अगेंस्ट हिम। इन अदर वर्ड, अक्यूज्ड इज गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब कि कोर्ट नू ए आप जज साहब जे सैटिस्फाई होणगे फिर उहदी बेल दित्ती जांदी। उन्होंने सारे रीजन आ लम्मा चौड़ा कित्थे है भाई, हो आ ऑर्डर है जिहड़ा उन्होंने रिकॉर्ड किया, और यही कारण बनिया कि अज किन्ने हो गए जी, 1.5 साल हो गया, 10 साल तो सालगिरह हो गए परचे दर्ज होई दी, ते 1.5 साल ऊ हो गया कि भाई चलान पेश कादा कर रहा हूँ। इत एस राहुल नू चढ़ाउंदे सी कि साडी मर्जी दा कर, मगर जिन्हें सही काम करना वह कहिंदा थोड़ी मर्जी दा नहीं, कानून दे मर्जी दे हिसाब नाल काम होगा, वह इन्हां नू चंगा।